पारस जी, चिराग पासवान ये परिवारवाद नहीं है? चिराग पासवान जी से गले लग रहे हैं वो क्या है? ये देखिए, इनकी राजनीति जो है अब खत्म होने वाली है। देश की जनता बेवकूफ नहीं है, देश की जनता सब देख रही है। तो सत्ता में भी जो लोग आए हैं उनको जाना तय है। विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा कि दरअसल ये विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, बल्कि ये तमाम भ्रष्टाचारी जो है वो जेल जाने के डर से एकजुट हो रहे हैं। ये लोग परिवार की राजनीति करते हैं। अब इस बयान के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लगे हाथ चिराग पासवान को निशाना बनाया और कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को गले लगा रहे थे तो क्या उनको नहीं मालूम था कि वो भी परिवार की राजनीति के सहारे जो है, अपने पिता की राजनीति के सहारे राजनीति में आए हैं? तो फिर वो लोग परिवारवाद की बात क्यों करते हैं? अजीत पवार, दुष्यंत चौटेला या फिर पशुपति कुमार पारस का नाम ले लिया जाए, ये लोग कौन सा अपनी बदौलत राजनीति में आए हैं? तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। सर, प्रधानमंत्री ने अपोजिशन मीटिंग पर कहा है कि सभी जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो परिवारवादी हैं, वो साथ आ गए हैं। देखिए, 20 लाख करोड़ का घोटाला। चिराग पासवान जी से गले लग रहे हैं वो क्या है? अजीत पवार, गोपाल कांडा रेपिस्ट जो रहे हैं, वो सब लोग फोटो में हैं। प्रफुल्ल पटेल वगैरह सब लोग फोटो में हैं। वो लोग क्या हैं, क्या थे भाई, पहले क्या थे? अब हमको रिकॉल कराने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पीछे खड़े हैं, कौन है भाई? उनके पिता जेल में थे ना, अब वो भी तो किसी के बेटे हैं। डिप्टी सीएम किसने बनाया? अजीत पवार और दुष्यंत चौटाला को अपने पारस जी, चिराग पासवान, ये परिवारवाद नहीं है? किस बात के बारे में बात है? तो ये देखिए, इनकी राजनीति जो है अब ख़त्म होने वाली है। देश की जनता बेवकूफ नहीं है, देश की जनता सब देख रही है। हम तो काम की बात कर रहे हैं ना। तो सत्ता में भी जो लोग आए हैं उनको जाना तय है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं दरअसल वो डर चुके हैं। परिवार की बात करने वाले जब चिराग पासवान को गले लगा रहे थे, वो कौन सा दूध के धुले हैं? चिराग पासवान जी का बैकग्राउंड क्या रहा है? पशुपति कुमार पारस जी का बैकग्राउंड क्या रहा है? दुष्यंत चौटेला जिनके पिता जेल में, या फिर अजीत पवार की बात कर ली जाए। अजीत पवार के बारे में कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहा करते थे? भ्रष्टाचारी बताते थे, लेकिन जैसे ही वो लोग उनके साथ गए मानो सब कुछ ठीक हो गया। दरअसल विपक्षी एकजुटता जो हो रही है और आने वाले दिनों में और भी दल इसमें बढ़ सकते हैं, इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अभी से सताने लगा है। डर इस बात का कि अगर वाकई में विपक्ष एकजुट हो गया तो फिर 24 में वापसी कर पाना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, सरकार बनाना संभव नहीं है। चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो लोग परिवार की राजनीति के सहारे ही आए हैं। जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं अपने कुनबे में जाकर क्यों नहीं देखते? याद कीजिए वो दिन जब विधानसभा के अंदर सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने एक नहीं दर्जनों ऐसे नाम गिनाए थे जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में है, जो परिवार की राजनीति करते हैं। क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि ये लोग परिवार की राजनीति करते हैं, लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं वो कौन सा दूध के दूल्हे हैं? उनके साथ भी परिवार की राजनीति करने वाले या फिर उनके कैबिनेट में या फिर यूं कह लें कि उनके पार्टी में ऐसे कई नाम हैं जो परिवार की राजनीति करते हैं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप मेरी वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए।